सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी काफी महिलाएं ऐसी हैं जो आए दिन जिला मुख्यालय पर एसएसपी एवं जिलाधिकारी के कार्यालय पर अपनी शिकायतों का प्रार्थना पत्र लेकर आती हैं। इसी क्रम में जनपद मुरादाबाद की बरबलान की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उसका पति शावेज उसके साथ मारपीट करता है, घर में चोरी भी करता है। वो जुआ खेलने का आदी है और जुए के लिए उसके पति ने किसी को 10 लाख रुपए उधार ले रखे। वो लोग उसके घर पर आते हैं और पैसे की मांग करते हैं। महिला का आरोप है कि इसी को लेकर पति और ससुराली उससे 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। सब ज्यादा बहुत परेशान हो गई हूँ कि वो लोग उसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है कि तेरे साथ जब भी रहेगा तब तू 10 लाख रुपए लेगी। उन्हें चला के तुमको शादी कर लूँ, जो मेरा पहले शोहर का पैसा था वो सारा इन्हें खा लिया, जो मेरा चीज जेवर था वो भी बेचे खा लिया। मार्च की 3 तारीख से मेरे घर से लापता है। किसकी बात कर रही हैं आप? अपने शोहर की, शाहबाज की। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी आपकी जी? किस रोल में? किस रोल में? कितने साल हो गए शादी को जी? अभी 1 ही साल हुआ। 1 साल हुआ था। आप कहाँ के रहने वाले हो? बरबलान। तो क्या परेशानी आ रही है शादी के बाद से आपको? शादी के बाद में ही परेशानी आ रही है कि आए दिन वो पैसे मांगते हैं मुझसे, मेरे घर में चोरी भी करी, मैंने उनके घर में शिकायत करी सबसे, उनकी चचाओं से शिकायत करी, तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उनको जुआ खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या काम है उनका। पति आपके जी? तो वो जुए के उनको 10 लाख रुपये हार गए। अच्छा, तो सब कर्जदार आ रहा है, तो वो मेरे पास आ रहा है। अब मुझसे कह रहा है 10 लाख रुपए तो दे, मैं कहाँ से दूंगी 10 लाख रुपए? मैं तो कुछ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे कुछ का सहारा नहीं। अच्छा, आप, क्या घर है? आपके पति आपसे कहते हैं 10 लाख रुपए लाने के लिए? उनके माँ बाप भी कहते हैं। अच्छा, घर वाले जब भी देगा जब तू 10 लाख रुपए देगी। तो आपने इसकी शिकायत थाने पुलिस से की थी? थाने पर गई थी आप? की थी, मुकदमा भी चल रहा था 3 तलाक का, मैंने उनकी जमानत भी करा ली। इसी चक्कर में मुझे कहीं सुनवाई नहीं होती, सब थानों में उनकी सेटिंग हुई भी है, सब मुझे थाने से सब भगा देते हैं, मगलपुरे वाले भी और के नाम लाखपाने वाले भी। तो आज कौन से अधिकारी के पास आई थी आप? आज मैं डीएम साहब के पास आई थी। क्या क्या चाहती हैं आप इसमें? मैं इंसाफ चाहती हूँ बस। सादी पीड़िता ने कहा कि वो अपनी शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंची थी और जिलाधिकारी ने उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।